नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है डीएस स्टडी पॉइंट चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्लास 10 का, जो कि 50 नंबर का आता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी प्रथम चैप्टर का, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर इसका राइट उत्तर होगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन। चौथे प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो दोस्तों, अंबेडकर ने सभी पुस्तकें लिखी थी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, इनमें सभी सही हैं। घ जो है ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले, सभी। तो दोस्तों, सभी सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदू धर्म में भारतीय समाज की कुरीतियों एवं विसंगतियों पर निम्नलिखित में किसने प्रहार किया? तो राइट आंसर इसका होगा भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, राइट आंसर क होगा इसका, मध्य प्रदेश के महू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमराव का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ग 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 21, यानी ग। नेक्स्ट, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट होगा ग निबंध। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क जाति प्रथा। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसका राइट उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो इसका राइट उत्तर होगा क सभ्य समाज की। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो क क्षमता आधारित, ख बंधुत्व पर आधारित, ग स्वतंत्रता पर आधारित, और घ सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, ग इसका उत्तर होगा बेरोजगारी। नेक्स्ट पर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर होगा क कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेखक दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट उत्तर होगा ग वर्तमान युग में भी जातिवाद के पोष कोई कमी का न होना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट उत्तर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ग। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट उत्तर होगा ख दलित। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका राइट उत्तर होगा ग 1916 ईस्वी में। आइए दोस्तों, अगले चैप्टर में चलते हैं। 20 के दांत, प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो इसका राइट उत्तर होगा ग मध्यम वर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट उत्तर होगा ग बंगला का।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका राइट उत्तर होगा सेन साहब की 5 लड़कियां थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मदर ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो इसका राइट उत्तर होगा 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो इसका राइट उत्तर होगा खोखा के अनुसार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका राइट उत्तर होगा लट्टू के खेल में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो इसका राइट उत्तर होगा गिरधरलाल को। मदन की उम्र क्या थी? तो इसका राइट उत्तर होगा 5-6 साल के। नेक्स्ट पे चलते हैं, मदन किसका पुत्र था? तो राइट उत्तर इसका होगा गिरधर का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट उत्तर होगा ख खोखा। अगले प्रश्न के चलते हैं, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका राइट उत्तर होगा ख इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगले प्रश्न को चलते हैं, गिरधारी कौन था? तो इसका राइट उत्तर होगा फैक्ट्री का किरानी था, यानी गिरधर कौन था? फैक्ट्री का किरानी था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? इसका राइट उत्तर होगा महल वाले। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था? इसका राइट उत्तर होगा लट्टू खेलने की लड़क। 16वें प्रश्न को चलते हैं, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो इसका राइट उत्तर होगा ग नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 के दांत कैसी रचना है? तो इसका राइट उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो इसका राइट उत्तर होगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका उत्तर होगा क मार। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो इसका राइट उत्तर होगा तानाशाह। खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका राइट उत्तर होगा घर के नियमों के धज्जे उड़ाने में। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे के चैप्टरों को बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।